आप सब ने बाली के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही बाली जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम जिससे भी युद्ध करोगे तो युद्ध शुरू होने से पहले ही सामने वाले विरोधी की आधी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो ये वरदान मिलने के बाद बाली ने बहुत से महाबलियों को हराया, जिसमें से एक रावण भी था। तो रावण को हराने के बाद बाली के अंदर बहुत घमंड आ गया था और उसी घमंड में चूर होके एक बार वो हनुमान जी को चुनौती देने चला गया। और उस समय हनुमान जी भगवान राम का ध्यान कर रहे थे और जब बाली वहां पहुंचा तो उसने हनुमान जी को चुनौती दे दिया, लेकिन हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में व्यस्त थे इसीलिए उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बाली ने भगवान राम का बुराई किया। तब हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसका चुनौती मंजूर कर लिया। और अगले दिन जब हनुमान जी चुनौती के लिए निकले तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जाने से मना कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से ये कहा कि बाली ने भगवान राम का मजाक उड़ाया है और मैं आज उसे सबक सिखा के रहूंगा। जिस पे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें युद्ध के मैदान में जाने से पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के सामने ये शर्त रखा था कि तुम युद्ध के मैदान में अपने शक्तियों का 10% ही ले जाओगे, जिसे सुनने के बाद हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का शर्त को मान लिया और युद्ध के मैदान के लिए निकल पड़े। और जब युद्ध के मैदान में बाली उनके सामने आया तो बाली हनुमान जी के आधी शक्ति को अपने अंदर लेने लगा। और जब बाली हनुमान जी के शक्तियों को ले रहा था तो उसे अनंत ऊर्जा का महसूस हुआ और उसी ऊर्जा के कारण उसके नस फूलने लगे और फटने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को ये कहा कि तुम इस युद्ध के मैदान को छोड़ के अभी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फूल के फट जाएगा। और ये सुनने के बाद बाली युद्ध का मैदान छोड़ के तुरंत भाग गया। और ये देखने के बाद आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हनुमान जी में कितना शक्ति है। और अगर आप लोग भी हनुमान जी के भक्त हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें।